कॉलेज में एक बार एलजीबीटी की प्राइड परेड हो रही थी, वहां ब्लेंडर स्प्राइट लेके चला गया। प्यार हुआ आप लोगों को? हुआ है कि मैंने एक चीज नोटिस की भाई, कि प्यार में ना एक तरह का डर है। जैसे मेरा एक दोस्त था रवि, उसको ना प्रियंका से प्यार हो गया। वो था ना कॉलेज के फर्स्ट डे, वो कि ऐसे वाला कि शी इज द वन, पहले दिन ही हो जाता कि शी इज द वन यार। और प्रियंका थी भी वन, और ये बहुत सुंदर लड़की थी भाई। वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती जिन्हें आप सपने में भी प्रपोज करो तो वो थप्पड़ मार देती है, वो लड़की थी भाई। भाई वो इतनी सुंदर थी, उस पर प्रोफेसर भी लाइन मारते थे। हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर पीपी, और भाई उनके, हाँ उनकी जिंदगी में दो ही काम थे, एक तो बच्चों को डांटना और दूसरा प्रियंका पे लाइन मारना। गंजे थे वो, सर पे सर्कल था, लाइन पूरी मारते थे। और भाई हम कभी ऐसे डाउट पूछ लेना, डांट देते थे कि दिमाग में गोबर भरा है क्या, घड़ियाल के बच्चे। फॉर्मूला पूछा भाई तेरे से, तेरा जॉब है ये। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ लड़कों को डांट रहे भाई, जो नॉन प्रियंका लड़कियां थी। अरे भाई उन्हें भी डांट, ताने अलग मारते थे कि जितनी बार तुमने बाल कलर कराए हैं उतनी बार किताब खोल लेती, घड़ियाल की बच्ची। बेरहम आदमी, कैसे डांट रहा भाई। और पता है प्रियंका डाउट भी नहीं पूछ रही, उसको डेस्क पे आके समझा रहे हैं कि इस रस्सी से टेंशन ऐसे निकलेगी बेटे, कि तुम्हें समझ नहीं आया मैं ही घड़ियाल का बच्चा। प्रियंका ऐसी हो जाती थी कि आप अपनी रस्सी से टेंशन निकाल लो, मैं कर लूंगी अपना। भाई हमें बिल्कुल पसंद नहीं थे डॉक्टर पीपी, हमने खबर फैला दी कि डॉक्टर पीपी का पूरा नाम है प्यासा प्रोफेसर। बच्चे वाटर कूलर दिखा के मस्ती ले रहे, प्यासा। बट दिक्कत क्या थी, प्रियंका थी स्टेट टॉपर और रवि था कॉलेज का लास्ट एडमिशन। कसम से भाई मुझे याद है, एक बार ना एक सेमेस्टर में एक चेयर टूट गई थी, कॉलेज वालों ने पूरा सेमेस्टर रवि को जमीन पे बैठाया। क्लास में घुसते ही ऐसा लगता था बाकी सब बच्चे डिग्री लेंगे, ये निर्वाणा ले लेगा। हाँ भाई वो भी पूरी मस्ती लेता था, कह रहा करियर का पता नहीं, बॉडी पोस्चर ठीक हो गया भाई, पूरे मजे लेता था भाई। वो भी हॉस्टल से ना योगा मैट ले आया क्लास में, योगा मैट बिछा दिया क्लास में, ऐसे उस पर चौकड़ी मार के बैठ गया। कसम से ऐसा लगता था कोई सन्यासी बूढ़ा बैठा हुआ है, कसम से कि बुद्धा जी खुद आए पढ़ने आज, कि बता दो आइसोटोप क्या होता है। वैसे बैठा रहता था, और जैसे मैम क्लास में आ रही ना तो बाकी सब बच्चे कह रहे गुड मॉर्निंग मैम, ये खड़ा होता था कहता हरिओम। मैम से संस्कृत में बात कर रहा है, अटेंडेंस दे रखा है, अहम ब्रह्मास्मी। भाई एक दिन मैम बीच लेक्चर में चला गया, कह रहा मैम मे आई गो टू टॉयलेट गच्छा मी। नहीं आती तो रहने देना भाई, ये कैसी जबरदस्ती है क्या बोलना। भाई कुछ भी करता था भाई। एक बार डॉक्टर पीपी अटेंडेंस ले रहे हैं, उनको खड़े होकर कह रहा अहम ब्रह्मास्मी। डॉक्टर पीपी आ गए अपने मूड में, कह रहे दिमाग में गोबर भरा क्या, घड़ियाल के बच्चे हैं। फिर खड़ा हुआ योगा मैट पर और 30 सेकंड तक ना डॉक्टर पीपी को घूरा, और फिर कहता तुम ही नरकस्वामी। भाई डॉक्टर पीपी ना शवासन में लेट के भाई कह रहे थे कोई तगड़ा शराब दे दिया, उन्होंने पूरे सेमेस्टर की अटेंडेंस लगाई, कह रहे बेटा तुम्हारी लगी है, तुम आप मत आना पूरे क्लास में। अब हमारी मैथ्स वाली मैम ने क्वेश्चन लिखा, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन था एकदम चमकाने वाला, उन कह रही ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, खड़ा हो गया भरी क्लास में, कह रहा है योगा से ही होगा। फिर मैम गुस्सा कर रही है तो कह रहे ब्रीद इन ब्रीद आउट, मैम कह रही गेट आउट। फिर ना रब इसने डिसाइड किया कि भाई मैं ना फर्स्ट ईयर में 9 CG पे लाऊंगा, और 9 CG पे लाऊंगा फिर प्रियंका को प्रपोज कर दूंगा। फिर उसकी फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट में बैक आई, 9 सब्जेक्ट में फेल हुआ वो, टोटल 10 सब्जेक्ट थे। जिस एक सब्जेक्ट में वो पास हुआ ना, कॉलेज वालों ने अगले साल भाई हटा दिया, कह रही ये भी कोई सब्जेक्ट है, रवि पास हो गया इसमें। डॉक्टर पीपी ने भी उसे फेल कर दिया भाई, क्योंकि उन्हें भी प्रियंका पसंद थी। पेपर में और लिखा तुम ही नरकस्वामी।
भाई मैथ्स का पेपर उसका ठीक हुआ था, मैथ्स के मैथ्स में भी फेल, तो मैथ्स वाली मैम के पास चला गया, कह रहा मैम आपने फेल कर दिया है, सेमेस्टर कैसे पास होगा? तो मैम कह रही योगा से ही होगा। फिर गुस्सा कर रहा है तो मैम कह रही ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड गेट आउट। भाई उसकी रिपोर्ट कार्ड हमने देखी रवि की, उसकी रिपोर्ट कार्ड इतनी लाल थी कि वो थूक लगा के प्रियंका की मांग भर सकता था। वो तो प्रियंका को भरवानी नहीं थी। फिर उसने सेकंड ईयर में डिसाइड किया कि अब मैं सीजी पे बढ़ाऊंगा, सीजी पे बढ़ाऊंगा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो प्रियंका को प्रपोज कर दूंगा। इधर इसने सोचा कि मैं सीजी पे बढ़ाऊंगा, कॉलेज वालों ने सिलेबस बढ़ा दिया। कॉलेज वालों ने सिलेबस बढ़ाया, इसके नशे बढ़ गए। भाई बहुत पीता था उस सेमेस्टर में। उस सेमेस्टर में अगर उससे कोई पूछता ना कि प्यार के तीन लफ्ज क्या हैं, तो वो कहता एक पैगौर। कॉलेज में, हाँ कॉलेज में एक बार LGBT की प्राइड परेड हो रही थी, वहां ब्लेंडर्स प्राइड लेके चला गया। पैक उनके आगे पैक बना रहे, भाई पैक बना रहा, कह रहा है आई सपोर्ट प्राइड तथास्तु। उन्होंने कहा ये नहीं होता भाग्य से। बहुत पीता था, एग्जाम में पी के चले जाता था, ऐसे एग्जाम में पी के चला गया। बाकी बच्चे कह रहे मैम थ्रेड, मैम चीट, ये कह रहा मैम चकना। फिर खड़ा हुआ कह रहा मैं गो टू टॉयलेट कच्छा मी। मैम भी कह रही कच्छा मी कच्छा मी। मुंह नहीं लगा रहा तेरे से भाई तू। मैम भी फील में आ चुकी थी भाई। फिर इसने क्या किया, इसने ना बाथरूम में दारू छुपा रखी थी, हार्पिक की बोतल में। अब ये गया और पी रहा है, इसको क्लीनिंग स्टाफ ने देख लिया, उनको लगा इसका सही नहीं जा रहा कि बीच पेपर में प्राण त्याग देगा एकदम से। और ये उसने ना उनसे आई कांटेक्ट किया एकदम और बॉटम्स अप मार दिया कि दारू वेस्ट नहीं करूंगा। भाई पता नहीं क्या सुरूर चढ़ा इसे कि दारू मिल गई हार्पिक के साथ कुछ। तो भाई क्लास में वापस आया, बाकी सब बच्चे ब्लैक बोर्ड देख के पेपर कर रहे हैं, उल्टा बैठ गया। पीछे वाले की आंसर शीट पे लिख रहा है। सबसे पहले तो पीछे वाला खड़ा हो गया, कह रहे रवि ने छू दिया मैं नहीं करूंगा। कह रहा भाई हाँ इतना आप शगुन नहीं करना मेरे को। कह रहा मुझे लाल रंग पसंद है, इसकी रिपोर्ट कार्ड जितना नहीं भाई। भाई फिर चीटिंग वाले क्लास में आए तो मैम ने ना रवि की तरफ इशारा करके ऐसे कुछ तो बता दिया, हमें लगा इसका पेपर कैंसिल भाई। तो बाकी सब बच्चों की चीटिंग वाले जेब चेक करने की फर्रे तो नहीं है, उसका मुंह सूंघा। कह रहे दारू पिया आपने? तो कहता मैं ही पीता हूँ। उनका बेटे दारू का भपका दूसरी क्लास तक आ रहा है, जो भी आपने कॉकटेल बनाया था। फिर थर्ड ईयर में उसने डिसाइड किया, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ना लोग फॉरेन इंटर्नशिप करने जाते हैं ऐसे अमेरिका इंग्लैंड, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका जाऊँगा, फिर 2 महीने वहाँ रहूँगा, वापस आके अमेरिकन एक्सेंट में उसे प्रपोज करूँगा। फिर उसकी इंटर्नशिप लगी पटना में। और भाई पटना इतना गजब शहर है ना, ये 2 महीने वहां गुजार के आया, ये खुद ही इन्फ्लुएंस हो गया। हाँ वापिस आके मेरे से कह रहा प्रपोज कर दें। मैं ऐसे तो मत कीजिएगा आप। कह रहा मानेंगी नहीं। मैंने कहा कतई नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। तो मैंने उसे बोला, वो साउथ दिल्ली की लड़की थी भाई, मैंने उसे बोला थोड़ा इनडायरेक्टली हिंट दे। तो ऐसे उसकी बेस्ट फ्रेंड को कह रहा हे हनी, कह रहा हम उनका मसाला तंबाकू है, वो हमारा हाथ बनेंगी। कितना घिनौना तरीका है ये प्रपोज करने का, मसाला तंबाकू है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा इसमें लग ही नहीं रहा कि कभी कुछ कहना चाह रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कभी कुछ करना चाह रहा है, कुछ बहुत गलत। फिर फोर्थ ईयर में भाई प्रियंका का पैकेज लग गया 10 लाख रुपए का। फिर इसने डिसाइड किया कि अब मैं 10 लाख रुपए का पैकेज ले लूंगा, फिर प्रियंका को प्रपोज कर दूंगा। फिर उसने 10 लाख जगह इंटरव्यू दिए, कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ वो, क्योंकि उसकी 4 साल में मिला के 4 CGPA थी। तो भाई उसकी CV इतनी फुद्दू थी भाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लिखा हुआ है आई लव प्रियंका। हाँ अकम्प्लिशमेंट में लिखा हुआ है 1 पूरा सेमेस्टर जमीन पे बैठे। कंपनी वालों ने बोला हमें नौकरी करवानी, सत्संग नहीं भाई। लोगों ने लिखा हुआ लैंग्वेज इज नोन C++, इसने लिखा भोजपुरी +++। भाई 2 साल हो गए इस बात को। हाँ रवि की नौकरी नहीं लगी, प्रियंका की शादी हो गई है। हाँ
उसके हस्बैंड का ना वो है स्टार्टअप, उन्होंने अभी अपनी शादी में इनवाइट किया, बाकी सब लोग शगन लेके जा रहे हैं, ये रेज्यूमे लेके चला गया कह रहा तुम प्यार नहीं दे सकी नौकरी दे दो उससे कह रहे भाई वहाँ पे उस शादी में उसकी कोई इज्जत नहीं थी भाई। एक गोलगप्पे वाले से कह रहा भैया 5 लगा दो, वो कह रहा 4 तो आपकी CGPA है शर्मानी जी आपको 5 बोलते हो भी। एक एक वेटरस से पूछा कह रहा पनीर टिक्का कैसा है, वो कह रहा आपके करियर के जैसा है कह रहा कैसे, कह रहा वो भी खत्म हो गया है कोई इज्जत नहीं भाई उसकी शादी में। डीजे वाला उससे मजे ले रहा है, बाकी लोगों से पूछ रहा है हाउ इज द जोश, उसने पूछा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स उसकी सीजी पे मजे ले रहा भाई। डीजे वाले ने गाना चलाया 1 2 3 और 4 पे रोक दिया फिर कह रहे नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी 2 2 4 4 बोतल वोट का 4 बार चलाया उसने मेन रसम होती है ना, मेन रसम में सिंदूर घूम गया, हमने फिर रवि की रिपोर्ट काट दी हमने कहा थूक लगा के भर दो अभी आप इसके तो काम नहीं आ रही है। दुल्हन के पापा विदाई के 2 घंटे बाद रोए तो ये ना उन्हें सिंपथी देने चला गया, कह रहे बिटिया ने तो एक ना एक दिन जाना ही था अंकल जी। अंकल कह रहे वो सब ठीक है बेटे, आपका रेज्यूमे देख लिया मैंने कह रहे स्ट्रेंथ में फुल पावर कौन लिखता है हमने पूरा खाना वाना खाया, वेटर से लास्ट में टिश्यू पेपर मांगे, उसी का रिज्यूमे वापस कर दिया क्या ये किसी काम का नहीं, इसी से पहुंच लो। वेरी बैड एक्सपीरियंस है शादी, मेरे से लास्ट में कह रहा भाई मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, अब करियर कैसे सही होगा। मैंने कहा योगा से ही होगा पूरी शादी पूरा शादी खराब। लास्ट में एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जब हम शादी से निकल रहे थे ना तो हमने देखा डॉक्टर पीपी प्रियंका के बाप को डांट रहा है उनसे कह रहा मेरे से शादी नहीं करा सकते थे घड़ियाल के बच्चे रवि उनके पास गया, पहले डॉक्टर पीपी को घूरा, फिर प्रियंका के बाप को घूरा, फिर कहता तुम ही नरकस्वामी तुम्हें तब आखिरी एक शेर लिखा था, अगर आप लोग इजाजत दो तो मैं कि आज ही तुम इजहार करो क्या हो जाएगा डरने से। कि हम ना उसे कहते रहते थे कि यार इजहार कर देना यार, प्रपोज कर दे, मेरे को ऐसा लगता है इजहार करना तो एक आशिक का हक है ना, हाँ या ना करना आपका हक है ना, मतलब तो प्रपोज तो कर, अगर कायदे से करेगा, ये मसाला तंबाकू वगैरह नहीं हम कहते रहते कर, तो कहता नहीं यार वो ना ब्लॉक कर देगी। मैंने पहले कौन सा बात हो रही है तेरी, मैंने तब आखिरी शेर लिखा था कि आज ही तुम इजहार करो क्या हो जाएगा डरने से, आज ही तुम इजहार करो क्या हो जाएगा डरने से, प्यार नहीं हो जाता है कम ब्लॉक किसी के करने से। हेलो दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, क्या क्या बातें आपको पसंद आई वो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, फैला दो एकदम पानी की तरह। सेकंड चीज ये कि इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत किया जाए, तो मैं अपना शो बिगड़ गए थे लेकर आ रहा हूँ हिंदुस्तान के तमाम शहरों में। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं आपको शो डिटेल्स मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के पहले कॉमेंट में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, बम्बल, टिंडर, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी भाई, मैंने हर जगह डाल दिया है। शो एकदम नया है, जो आपने आज से पहले नहीं देखा है तो शो टिकट लेकर आ जाइए और शो पर मिलते हैं। थर्ड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है यार कि मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी का फॉर सपोर्टिंग माय आर्ट फॉर्म, एंड ये आप साथ बनाए रखो, बहुत लंबा सफर है एंड दिस रियली मींस अ लॉट भाई, दिल से धन्यवाद।